हे दोस्तों, आप हरिद्वार में हैं या हरिद्वार जाने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि हरिद्वार में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आप विजिट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखें। आपको इस वीडियो में हरिद्वार के 10 सबसे फेमस जगहों के बारे में पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें नंबर 1 पर है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हरिद्वार का एक प्रमुख पर्वतीय तीर्थस्थल है जो गंगा नदी के किनारे उपस्थित है। यह स्थल हिंदू धर्म के अनुसार महत्वपूर्ण है और यहाँ के घाट पर होती है गंगा आरती, भारतीय धार्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। रोज लाखों टूरिस्ट इस पवित्र स्थल पर आते हैं ताकि गंगा माता के बहुत ही धार्मिक समर्पण का अनुभव कर सके। हरिद्वार की यह धारणा है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति स्नान करता है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा यहाँ के तट पर सुंदर सौंदर्य और शांति का आनंद भी मिलता है। नंबर 2, चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के प्रमुख पर्वतीय तीर्थस्थलों में से एक है, जिसे हरिद्वार की पहाड़ी चोटी पर स्थित किया गया है। यह स्थल माँ चंडी देवी को समर्पित है और इसके चढ़ाई जाने वाले सिंधु घाट से केबल कार से पहुंचा जा सकता है। चंडी देवी मंदिर का दृश्य बहुत ही सुंदर है और यहाँ से आपको हरिद्वार का व्यापक दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर्यटक आध्यात्मिक अनुभव करते हैं और इसके दर्शन करने के बाद शांति और ध्यान का एहसास होता है। नंबर 3, मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार का एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल माँ मनसा देवी को समर्पित है और यहाँ के मंदिर का दृश्य बहुत ही प्राचीन और प्राकृतिक है। यहाँ पर पहुंचा जाने के लिए पैदल यात्रा या केबल कार का उपयोग आप कर सकते हैं। मनसा देवी के मंदिर की ऊंचाई से आपको हरिद्वार के बेहद ही सुंदर दृश्य का आनंद मिलता है और यह स्थल आध्यात्मिकता और ध्यान के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर मंत्र जाप करते हैं। नंबर 4, दक्ष महादेव मंदिर। दक्ष महादेव मंदिर हरिद्वार का एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर माता सती के पिता राजा दक्ष के यज्ञ की कथाएं संबोधित है। यह स्थल भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है और यहाँ पर्यटक धार्मिक आत्मा का आनंद लेते हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर प्राचीन और आकर्षक है और यहाँ से आपको हरिद्वार की सुंदर पृष्ठभूमि भी दिखाई देती है। दक्ष महादेव मंदिर हरिद्वार के आध्यात्मिक और ध्यान के साथ साथ पर्यटन का भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। नंबर 5, माँ वैष्णो देवी मंदिर। माँ वैष्णो देवी मंदिर यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल है जो माँ वैष्णो देवी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण आध्यात्मिक और धार्मिक आत्मा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और यहाँ के पूजा अर्चना का माहौल अत्यंत शांतिपूर्ण है। मंदिर की सजावट वातावरण प्रतिध्वनि का एहसास कराता है और यहाँ के भक्त वैष्णो देवी की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर हरिद्वार के धार्मिक और आध्यात्मिक तथा पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भक्तों के लिए एक मानसिक और आत्मिक आराम का स्रोत है। नंबर 6, पवन धाम। पवन धाम हरिद्वार का एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है जो माँ सीता, भगवान राम और भगवान हनुमान को समर्पित है। यह स्थल भगवान हनुमान के महत्वपूर्ण चरणों के एक रूप के रूप में मान्यता प्राप्त है और यहाँ के मंदिर में उनके 24 रूपों की मूर्तियाँ आत्मिक शांति की ओर बुलाती हैं। पवन धाम का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के स्थल पर पूजा, भक्ति और ध्यान के लिए एक शांति और मानसिक आराम का स्रोत प्रदान करती है। यहाँ के मंदिर का दर्शन करने से आत्मा को शांति और सुख का एहसास होता है। नंबर 7, माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर हरिद्वार का एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है जो माँ माया को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर माँ माया का जन्मस्थल भी है जो भगवान भैरव की पत्नी थी। माया देवी मंदिर का आर्किटेक्चर प्राचीन और आकर्षक है और यहाँ पर भक्तों के लिए एक धार्मिक महत्वपूर्ण स्थल भी। यहाँ पर आध्यात्मिक आदर्शों का पालन किया जाता है और यह स्थल शांति, ध्यान और मानसिक आराम का एक खूबसूरत स्रोत है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और धार्मिक वातावरण भक्तों को आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। नंबर 8, बिरला घाट। बिरला घाट हरिद्वार का एक महत्वपूर्ण घाट है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह घाट श्री बिरला धर्म सम्राट विश्वनाथ सरस्वती द्वारा बनाया गया था और इनका नाम उनके परिवार के नाम पर ही रखा गया। बिरला घाट धार्मिकता और ध्यान के लिए एक मानसिक आराम स्थल है। यहाँ पर विशालकाय श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है जो भक्तों का धार्मिक अनुष्ठान और भगवान की पूजा अर्चना का मौका देता है। बिरला घाट अपने शांत और सुंदर वातावरण के लिए काफी प्रसिद्ध है और यहाँ से गंगा नदी का खूबसूरत दृश्य भी काफी सुंदर दिखाई देता है। नंबर 9, राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व भारत का एक प्रमुख वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है और यह 3 जिला हरिद्वार, देहरादून और पौंडी गढ़वाल में फैला हुआ है। यहाँ पर भारतीय वन्य जीव संरक्षण के लिए कई प्रजातियों के जीवन का आवास है, जैसे कि शेर, हाथी, चीता और अन्य जीवों को बचाने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ के वन्य जीवों का आवास सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। यह स्थल प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ पर्यटक के लिए भी आकर्षण का केंद्र है, जहां प्राकृतिक खेलों का आनंद भी लिया जा सकता है। नंबर 10, क्रिस्टल वर्ल्ड।
क्रिस्टल वॉल हरिद्वार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो परिवार और दोस्तों के बीच काफी मशहूर है। यह एक बड़ा और मनोरंजन से भरा पानी का पार्क है जो स्लाइड्स, वाटर राइड्स और स्विमिंग पूल के साथ साथ कई अन्य आकर्षणों का केंद्र है। यहाँ के वातावरण और वाटर पार्क के खेल आपको गर्मियों में राहत देते हैं। क्रिस्टल वॉल एक आत्मिक और मनोरंजन यात्रा के लिए एक आदर्श स्थल है जहाँ पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं और मनोरंजन का आनंद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हरिद्वार के 10 सबसे प्रमुख जगहें जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।